हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मिता मैम। आज हम लोग स्टैंजास की क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि पोइट्री में क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पोइट्री में पैराग्राफ दे देते हैं उसका क्वेश्चन आंसर, उस पैरे को हम लोग स्टैंजा बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों तीन स्टैंजा टोटल करेंगे हम लोग, जिसमें से एक मैं आज करा रही हूँ, बाकी के दो बाद में कराऊँगी दोस्तों। तो ये क्लास ट्वेल्थ का है, क्लास ट्वेल्थ क्वेश्चन आंसर स्टैंजा ऐसे। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये जो स्टैंजा है दोस्तों, ये 6 मार्क्स का आता है। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का ये आता है, और 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, इसमें एक स्टैंजा ऐसे दे देगा हमको और उसमें से 3 क्वेश्चंस देगा। पेपर में हम लोग कैसे लिखते हैं इसका आंसर, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चंस का पहले हम क्या लिखते हैं, इसी की टू वर्ड्स उतार देते हैं और फिर डैश डैश करके हैंड करके इसको लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद हर वूल। आंट जेनिफर ने वूल का उनका क्या किया। आंट जेनिफर क्रिएट ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द टाइगर्स विद हर वूल। आंट जेनिफर ने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर इमेज, प्रतिमा बनाई, प्रतिमा यानी कि चित्र, इमेज बनाई किसकी, टाइगर्स विद हर वूल, टाइगर की। वाई डज शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल हर इवोरी नीडली, उन्होंने इवोरी को नीडली क्यों जती, डिफिकल्टी क्यों हुई थी पुल खींचने में उसे। तो वाई डज, तो इसको हम क्वेश्चन से उतारेंगे। शी फाइंड, फाइंड की जगह देगा फाउंड, शी फाउंड, क्वेश्चन से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना है, फाइंड को हम लोगों को कर देना है फाउंड, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुल हर इवोरी नीडी बिकॉज शी वॉज टू बी टेररिस्ट एंड फॉर्ट्यून दैट शी वॉज अनएबल टू कैरी द वेट ऑफ द वूल। उन्होंने कहा कि उन्हें डिफिकल्टी हुई थी टू पुल, पुल मिस होता है खींचना, पुल हर इवोरी नीडी बिकॉज शी वॉज टू बी टेररिस्ट एंड फॉर्ट्यून, फॉर्ट्यून दैट शी वॉज अनएबल टू कैरी द वेट ऑफ हर वूल, टेररिस्ट एंड फॉर्ट्यून, फ्यूचर में क्या होता है, शी वॉज अनएबल, अयोग्य हो गई थी उसको क्या कहते हैं खींचने में, वूल के वेट को खींचने में। फिर पूछा है व्हाट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि मैसिव वेट्स ऑफ अंकल वेडिंग बैंड जो है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोला गया है, क्या बोला है इसमें, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा की शादी का बैंड, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोलेगा वाह उसका वजन बहुत ही भारी होता है, या मस्करी कर रहा है इसमें, तो ये क्या कर रहा है, मैसिव मस्करी कर रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहा है, क्या कह रहा है, बढ़ा के बोला अंकल की शादी का बैंड क्या था, बहुत वेट, तो बहुत वजन रहता है। द फिगर ऑफ स्पीच में क्या बढ़ाकर बोला गया है, बढ़ाकर बोलने के लिए मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वीडियो में सिखाया है सर दोस्तों कि हाइपर बोल, बोल शब्द से हम उसे बोलते हैं हाइपर बोल, जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपर बोल, बोल शब्द से बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, यानी बोल से आया बोल, इसके पीछे लिखा रहता है बोल, तो होता है हाइपर बोल, इज यूज इन द गिवन लाइन, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, इसी से हाइपर बोल। द वेट ऑफ द, क्या कह रहा है इसमें, द वेट ऑफ द वेडिंग बैंड, अंकल की शादी के जो बैंड का वेट वजन है कैन नॉट बी हैवी, हैवी नहीं होता, बट इट सिम्बलाइज मेटल टरुमा ऑफ मैरिज, कैसे समझ गया, टरुमा ऑफ मैरिज। तो दोस्तों आपको ये वाला स्टैंजा कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ अपने कमेंट में बताया कीजिए दोस्तों, जिससे मैं आप और भी इम्प्रूव कर सकूँ अपनी वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मार्क्स एग्ज़ाम में मार्क्स 6 लेने के लिए इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और बहुत अच्छे से एग्ज़ामिनेशन क्लियर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय दोस्तों।